हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप बच्चों? आज हम आपकी कक्षा 5 की गणित का कार्य पत्रक 72 करेंगे। आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको दिनांक लिखनी है जिस दिन आप वर्कशीट को सॉल्व करोगे। तो बच्चों, हमारा अधिगम क्षेत्र है मापन की समझ, मुद्रा अधिगम बिंदु है दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को हल कर पाना। तो बच्चों, नीचे हमें कुछ सवाल दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए, उनको हल करना है। तो बच्चों, हमें यहाँ पर चित्र भी दे रखे हैं और उनकी कीमत भी दे रखी है, ठीक है? तो जैसे पहला है कप, कप कप की कीमत है बच्चों 16 रुपए 75 पैसे, और पुस्तक, पुस्तक की कीमत है बच्चों 27 रुपए 80 पैसे, और बच्चों यहाँ पर खिलौना भी दे रखा है, गुड्डा दे रखा है, गुड्डे की कीमत है 21 रुपए 35 पैसे, और गेंद की कीमत है 15 रुपए 90 पैसे, और पेन, पेन की कीमत है 11 रुपए 45 पैसे। तो हमारा पहला सवाल है बच्चों कि एक कप एक पेन की कुल कीमत कितनी होगी? तो बच्चों, यहाँ पर हमें एक कप और एक पेन को की कीमत को जोड़ना है, ठीक है? यहाँ पर कुल आया ना, कुल का मतलब होता है जोड़, तो हमें जोड़ना है। मैंने बच्चों यहाँ पर साइड में रफ पे आपको जोड़कर दिखाया जाए, ठीक है? तो कप कितने का था? 16 रुपए 75 पैसे का, ठीक है? और क्या था बच्चों? पेन, पेन कितने का था? 11 रुपए 45 पैसे का। तो बच्चों, अगर आप यहाँ पर रुपए लिख लोगे और पैसे लिख लोगे तो आपको सवाल को हल करने में आसानी होगी। रुपए के नीचे रुपए आते हैं, पैसे के नीचे पैसे आते हैं, तो इनको जोड़ो, 5 और 5 होते हैं बच्चों 10, और एक यहाँ पे आ जाएगी हासिल। 7 और 4 11, 11 और 1 हासिल का भी जोड़ा तो हो गया 12, 12 फिर यहाँ पर हासिल लगाएंगे, ठीक है? 6 और 1 7 और 1 हासिल वाला हो गया 8, और 1 और 1 2, तो कितने रुपए हो गए हैं? 28 रुपए 20 पैसे, ठीक है? तो ये इसका आंसर है 28 रुपए 20 पैसे। बच्चों, यहाँ पर मैंने साइड में कर दिए हैं, तो आप अपने रफ पेज पे करिएगा, ठीक है? अब अगला सवाल है बच्चों, दूसरा सवाल है कि किताब की कीमत और गेंद की कीमत से, किताब की कीमत गेंद की कीमत से कितनी कम है? तो यहाँ पर बच्चों हमें घटाव करना पड़ेगा। ऊपर हमने क्या किया था? जोड़ किया था, यहाँ पर घटाव। तो बच्चों, जो रुपए ज्यादा होते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और कम वालों को नीचे लिखते हैं, ठीक है? तो हमारा, हमने लिखा कि जो किताब थी वो थी 27 रुपए 80 पैसे की, और गेंद है बच्चों 15 रुपए 90 पैसे की, ठीक है? तो इनको हम क्या करेंगे? घटाव करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखो, ये ऊपर है बच्चों, ये तो बाद की है डिजिट, ठीक है? जब हम हासिल लेंगे और घटाव करेंगे, ठीक है? तो देखो, यहाँ पर था 80 पैसे और 90, तो 80 में से बच्चों 90 नहीं घटते, तो ठीक है, तो हम 0 में से घटाएंगे 0 को, तो आ जाएगा 0। यहाँ बच्चों 8, 8 में से 9 नहीं घटता, तो हम क्या करेंगे? इधर से हासिल ले आएंगे, ठीक है? तो हो जाएगा ये 18। अब हमें 18 में से 9 घटाना है, ठीक है? 18 में से 9 घटाएंगे तो रहेगा 9। अब इधर रह गया था बच्चों 6, क्योंकि 7 का हमने 1 इधर दे दिया था, ठीक है? तो ये 7 का हो गया 6, तो हमें 7 में से, इसमें से नहीं घटाना, ऊपर वाले में से घटाना है, ठीक है? तो यहाँ पर 6 में से हमें घटाना है 5, तो रहेगा 1, और ये रहा 2, 2 में से हमें घटाना 1, तो रहेगा बच्चों 1। तो इसका आंसर कितना है? 11 रुपए 90 पैसे, ठीक है? जब हमने घटाव किया था तो इसका आंसर इतना आएगा। तो आप भी बच्चों अपनी रफ नोटबुक पे इसको हल करके देखिएगा, फिर आप चेक कीजिएगा कि मैम का आंसर सही है या गलत है, ठीक है? अगर आपका आंसर सेम आता है तो मुझे बताइएगा कि हमारा आंसर भी सेम आ रहा है, ठीक है? अब बच्चों, हमारा अगला सवाल है तीसरा, 5 गुड्डे खरीदने के लिए कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? तो इसमें बच्चों हमें गुना करना है, ठीक है? अब गुड्डे की कीमत कितनी थी, ये रहा, ठीक है? इधर साइड में बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि जितने भी रफ काम थे वो मैंने साइड में किए थे। 21 रुपए और 35 रुपए, ये था गुड्डे की कीमत, और 5 गुड्डे खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए? तो इसके लिए हमें 5 से गुना करना है, ठीक है? 5 को 5 से गुना करेंगे तो आएगा 25, 25 की 2 हासिल यहाँ पर लगाएंगे, 5 3 15, 15 और 2 हो गए 17 बच्चों, ठीक है? 17 की फिर 1 हासिल इधर लगा देंगे। अब 5 का गुना करेंगे हम 1 से, 5 1 कम 5, 5 और 1 हासिल वाला हो गया 6, ठीक है? अब 5 का गुना करेंगे हम 2 से, 5 दूने 10, तो हमारा आंसर कितना आया है? 106 रुपए और 75 पैसे। आंसर बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिया एक साइड में, ठीक है? आपको आसानी से दिख जाए। तो इसका आंसर कितना आया? 106 रुपए 75 पैसे। आप भी बच्चों सभी सवाल खुद भी करके देखिएगा, ठीक है?
एग्जाम तो आप लोगों को देना है, आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब चौथा सवाल है, हमारा 8 पेन खरीदने के लिए कितने रुपए की जरूरत होगी? तो बच्चों इसमें भी हमें गुना करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि पेन की कीमत कितनी थी। एक पेन की कीमत, एक पेन था बच्चों 11 रुपए 45 पैसे का। तो हमें क्या करना है, इसको 8 से गुना करना है। जब हम गुना करेंगे, 8 का 5 से गुना करेंगे तो आएगा 40, 40 की 0 यहाँ लिख लेंगे और 4 ये हासिल पे लगा देंगे बच्चों, ठीक है। अब हम 8 का गुना बोलेंगे 4, 8 चौके 32, 32 और 4 हासिल के कितने हो गए 36, 6 यहाँ लिखेंगे, 3 इधर हासिल पे लगा देंगे और 8 का गुना करेंगे हम 1 से, 8 एकम 8, 8 और 3 होते हैं बच्चों 11, 11 का 1 हम इधर लिखेंगे, जो आगे वाला 1 होगा इधर हासिल पे लगाएंगे ऊपर, ठीक है। अब हम 8 का गुना वापिस 1 से करेंगे, 8 एकम 8 और 1 हासिल वाला जोड़ा तो हो गया 9। इसका आंसर आया बच्चों 91 रुपए और 60 पैसे। तो आंसर बच्चों मैंने इस साइड में लिख दिया, ठीक है। अब बच्चों पांचवा सवाल है हमारा कि 1 कप, 1 गेंद व 1 पेन की कुल कीमत बताइए। तो इसमें कुल आया है तो हमें जोड़ करना है। 1 कप की कीमत थी बच्चों यहाँ पर लिखा लिखा हुआ, ठीक है। तो कप की कीमत थी 27 रुपए 75 पैसे और गेंद की कीमत थी 15 रुपए 90 पैसे और पेन की कीमत थी 11 रुपए 45 पैसे। तो तीनों को जोड़ना है, ठीक है। इधर जोड़ेंगे 5 और 5 10, 10 की 0 यहाँ पर लिखेंगे और 1 हासिल पे इधर। अब हम जोड़ेंगे 7 और 9 हो गए 16, 16 और 4 20, 20 और 1 हासिल वाला आ गया बच्चों 21, 21 का 1 यहाँ लिखेंगे, 2 हासिल पे लगाएंगे। अब हम जोड़ेंगे 2 और 7 हो गए 9, 9 और 5 हो गए 14, 14 और 1 15, 15 का 1 हम यहाँ लिख देंगे हासिल पे। अब हम जोड़ेंगे 2 3 4 और 1 हासिल वाला 5। तो इसकी कुल कीमत कितनी आई है बच्चों 55 रुपए और 10 पैसे। तो इसका आंसर यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है बच्चों। इस तरह से आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर सवाल समझ में आ गए हो तो बच्चों कमेंट करके भी बताइएगा और खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं आएंगे, जब आप खुद करके देखोगे तब आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।